Hello kids, a very good morning to all of you. Here is your Ruchika ma'am. So kids, how are you all? I hope you all are fine, fit and cheerful. Very good. So kids, आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, घर पे अपनी बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं. Very good kids. So how we start our day? We start a day by worshipping our God. So for that, quickly stand up, join your hands. अच्छे से hands join करने में and close your eyes. We will start Namokar Mantra. Namo Arihantaram, Namo Siddharam. नमो ऐरियाणम नमो जायाणम नमो लोए सव्य साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पणासनो मंगलाणम च सवेसी परमम हवै मंगलम. कंटिन्यू विद गुरु मंत्र. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. कंटिन्यू विद गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदया. Slowly open your eyes, hands down. So kids, how we feel? We feel very relaxed after praying to God. So ऐसे हमें रोज मॉर्निंग में एंड बिफोर गोइंग टू बेड गॉड की प्रेयर करनी चाहिए ताकि हमारी सारी विशेष कंप्लीट हो जाए, राइट? ओके kids, now tell me, what is the date today? Today is 28th January 2021. Today is 28th January 2021. And what is the day today? Today is Thursday. Today is Thursday. Right, kids? So you all have to remember date and day every day. Hena, main pata hona chahiye roz. What is the day and what is the date today? Okay, kids. Okay, kids. Now tell me, in English subject we have done sound words. Humne sound words kiye hai na? A sound words, E sound words, and I sound words. Okay. अच्छा, I sound words kya hote hai? Jisme E की साउंड है, लाइक प इन पिन, ब इन बिन, प इग पिग, ब इग बिग. तो इसमें किसकी साउंड आ रही है? ई की साउंड आ रही है ना. तो आज हम क्या करेंगे? राइमिंग वर्ड्स, राइट? राइमिंग वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? जिनकी एंड की साउंड सेम आती है, जिनकी एंड की साउंड सेम आती है, लाइक प इग पिग, ब इग बिग. तो इनके लास्ट के टू लेटर सेम आ रहे हैं ना, इग इग, प इग बिग, ब इग बिग, लाइक प इन पिन, ब इन बिन. ओके किड्स, अच्छा इट्स अ काइंड ऑफ गेम आल्सो है ना. मैम आपसे पूछेंगी एंड यू ऑल हैव टू बी अटेंटिव, सबको आंसर्स देने का ट्राई करना है. ओके, very good. So take out your English notebooks, pencils and erasers. Yes kids, quickly apni English ki notebooks nikalenge, pencil and erasers. And hume kaise likhna hota hai? Very beautifully, bahut sundar sundar slant mein. Okay kids, yes, quick, take out your English notebooks.
ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैम के साथ हेडिंग रीड करेंगे. WRITE right, WRITE right, RHYMING WORDS words. Write rhyming words. Okay, kids. Now here is your margin line. हमें margin line के बाहर लिखना होता है ना? Very good. So first word हम लिखेंगे margin line के just pass में, slant में. Okay? So speak and write, kids. PIN pin. इसको कैसे रीड करेंगे? प इन पिन लास्ट के जो टू लेटर वर्ड्स होते हैं ना हमें टुगेदर रीड करना होता है ना प इन पिन. अब हमें इसके टू टू राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. अभी मैम ने आपको समझाया ना राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिनके एंड की साउंड सेम आती है. चलिए अब कौन बताएगा मैम को पिन का राइमिंग वर्ड? यस किड्स रेज योर हैंड्स. नैवेद्य अनम्यूट योर सेल्फ. एनबिन बोलो बोलो एनबिन वेरी गुड. सो पिन का राइमिंग वर्ड हम लिखेंगे स्पीक एंड राइट किड्स बहुत ब्यूटीफुली. BIN बिन ब इन बिन ब इन बिन प इन पेन व इन बेन. अच्छा वन मोर वर्ड. यस 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 क्विकली कौन बताएगा मैम को राइमिंग वर्ड? दिव्यांशी हल्दर. दिव्यांशी हल्दर अनम्यूट योरसेल्फ. इन टिन वेरी गुड. अब हमें कैसे लिखना है? थोड़ा सा गैप देंगे हम और बहुत ब्यूटीफुली लिखेंगे TIN TIN टिन टिन टिन. नाउ नाउ किड्स अब हमें देखिए ये राइमिंग वर्ड्स हुए ना प इन पिन ब इन बिन ट इन टिन. इन सब की लास्ट की साउंड सेम आ रही है ना इन इन. ओके किड्स नाउ नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे मार्जिन लाइन के जस्ट पास में बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में. स्पीक एंड राइट BIG बिग ब इग बिग एंड उसके बाद छोटा सा डैश लगा देंगे ब इग बिग. ओके नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी द राइमिंग वर्ड ऑफ बिग? यस 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 रेज योर हैंड्स. हार्दिक काबरा. हार्दिक काबरा अनम्यूट योर सेल्फ. सर वेरी गुड. ब एक बेग फ एक फिग. यस किड्स एफ बहुत सुंदर बनाएंगे. FIG फिग फ एक फिग फ एक फिग ब एक बेग फ एक फेग. यस वन मोर वर्ड रेज योर हैंड किड्स. प्रज्ञा शर्मा. प्रज्ञा शर्मा म्यूट योर सेल्फ. DIG वेरी गुड. DIG डिग. अब किड्स हमें बहुत नीटली लिखना है तो जहां पे हमने टिन लिखा है ना उसके जस्ट नीचे लिखेंगे स्पीक एंड राइट DIG डिग ड एग डिग ड एग डिग. नाउ किड्स लुक राइमिंग वर्ड्स हुए ना ये ब एग बिग फ एग फेग
द इग डिग, बिग फिग डिग. इसकी लास्ट की साउंड सेम आ रही है ना, इग. ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे मार्जिन लाइन के जस्ट पास में, बहुत ब्यूटीफुली. ओके, नाउ एस आई पी सिप, सिप सिप, एंड इसके बाद छोटा सा डैश लगा देंगे. यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? ओके ओके, चलिए जल्दी से क्विकली ये टू वर्ड्स कंप्लीट कीजिए. राइट डाउन द वर्ड सिप सिप. ओके, नाउ कौन बताएगा मैम को सिप का राइमिंग वर्ड? पद्मा झा, म्यूट योरसेल्फ. Vidya, speak again. Sure, sip. Sip, sip. Vidya, sip to ma'am ne likha hai. Sip, sip. Iska rhyming word batana hai aapko. Sip. 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 Very good. Sip. Sip. To hame bahut beautifully speak and write. D-I-P, dip. D-I-P, dip. D-I-P, dip. S-I-P, sip. D-I-P, dip. Yes, kids, one more word. Kaun batayega ma'am ko sip ka rhyming word? Yes, yes, yes. Raise your hands. Vidhi Saini. Vidhi Saini, unmute yourself. Yes, Vidhi, unmute yourself. Yes, anyone else wants to answer? What is the rhyming word of sip? Gaurik, unmute yourself. Yes, 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 quickly, Gaurik, unmute yourself. Okay. Very good. Sa ip sip, da ip dip, da ip tip. Speak and write. T-I-P, tip. Tip, tip. So kids, read it again. Sip, sip. Dip, dip. Tip, tip. Sip, dip, tip. Okay, kids. Now. Next word I'm looking at. Margin line ke just pass mein hum likhenge. Speak and write. R-I-D, rid. R-I-D, rid. Okay kids, rid ka rhyming word hum kya likhenge? Speak and write. L-I-D, lid. L-I-D, lid. L-I-D, lid. Yes, one more rhyming word likhenge. Kids, you all have to speak and write. Bahut beautifully likhna hai hame, okay? R-I-D, rid. L-I-D, lid. M-I-D, mid. M-I-D, mid. M-I-D, mid. Read it again. R-I-D, rid. L-I-D, lid. M-I-D, mid. Rid, lid, mid. Okay, now quickly show me on the screen. Jaldi se dikhayenge ma'am ko. Yes, yes, yes.
Very good. बहुत beautifully लिखना है सबको, okay? Yes, जिन भी students की video on नहीं है, please switch on your videos. Okay, next word हम लिखेंगे margin line के just pass में. Speak and write. SIT, sit. Sit, sit. Sir, it, sit. Yes, tell me, what is the rhyming word of sit? Yes, kids, everyone wants to try. Please try the answers. Raise your hands. Hiya Bhatia, unmute yourself. Good afternoon. Yes, speak loudly. Yes, what is the rhyming word of sit? Lit. Okay, lit. Hamein just pass mein bahut beautifully likhna hai. L-I-T, lit. Love it, lit. Love it, lit. Okay, so it said, love it late. Yes, yes, yes. One more word. What is the rhyming word of said? Ronak, unmute yourself. Kit. Kit. Very good. So, hame spelling likhni hai, kids. Speak and write. K-I-T, kit. K-I-T, kit. K-I-T, kit. Read it again. S-I-T, sit. L-I-T, lit. K-I-T, kit. Sit, lit, kit. Okay, kids. So, what are these? These are all rhyming words. Chaliye, ma'am ke saath quickly read karenge. P in pin, V in bin, T in tin. Pin, bin, tin. B egg big, F egg fake, D egg dig. Big, fig, dig. S ip sip, D ip dip, T ip tip. Sip, dip, tip. R id red, L id lid, M id mid, rid, lid, mid. S it sit, L it lid, K it kit, sit, lid, kit. So आपने देखा इन सब के जो last के two letter words हैं वो सब के same आ रहे हैं. That's why इनको हम क्या बोलते हैं? Rhyming words. Okay, kids? अब जिनका remaining है, वो बाद में complete करिएगा, okay? Now, close your English notebooks and take out your Hindi notebooks. Yes, kids, quickly take out your Hindi notebooks. ओके किड्स, हमने हिंदी में दो अक्षर के शब्द किए हैं ना, चल चल, रथ रथ, कल कल, तो इसमें दो अक्षर आते हैं ना, क ल कल, तो दो अक्षर हुए ना. आज हम करेंगे तीन अक्षर के शब्द. ओके, तीन अक्षर के शब्द कौन से होते हैं जिनमें तीन अक्षर आते हैं, जैसे क कमल, कमल, तो ये तीन अक्षर हुए ना, राइट. कलश, कलश, ये तीन अक्षर हुए ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, तीन अक्षर के शब्द. ओके किड्स, नाउ मैम के साथ हेडिंग रीड करेंगे. तीन
अक्षर केशव. यस किड्स, तीन स्पीक टुगेदर, तीन अक्षर केशव. चलिए नाउ हियर इज योर मार्जिन लाइन एंड हमें मार्जिन लाइन के बाहर लिखने होते हैं. थ्री लाइंस की नोटबुक होती है ना आपकी, बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखने हैं. ओके चलिए फर्स्ट वर्ड लिखेंगे हम कमल. कमल, बहुत ब्यूटीफुल क बनाएंगे. क म. यस किड्स, स्पीक एंड राइट टुगेदर. ल. कमल, कमल. यू हैव टू राइट टू टू टाइम्स. ओके सेम लाइन में हम थोड़ा सा गैप देंगे एंड वापस से लिखेंगे. स्पीक एंड राइट. क, बहुत सुंदर क बनाएंगे. म. ल. कमल, कमल. कमल, कमल. कमल का फूल होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल. कमल को हम क्या बोलते हैं? लोटस, राइट. नाउ नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे मार्जिन लाइन के जस्ट पास. टॉप लाइंस भी बनानी है हमें. ओके ब्यूटीफुल. नेक्स्ट लिखेंगे स्पीक एंड राइट. म, बहुत सुंदर सा म बनाएंगे. ट, र. मटर, मटर. मटर, मटर. अगेन इसको हमें दो टू टाइम्स लिखना है ना. जहां पे हमने कमल लिखा है उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे म. स्पीक एंड राइट. ट, र. मटर, मटर. नाउ नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे मार्जिन लाइन के जस्ट पास में. स्पीक एंड राइट. ब. ट, न. बटन, बटन. बटन, बटन. ओके किड्स, सेम लाइन में टू टाइम्स हमें लिखना है. स्पीक एंड राइट. ब. ट, न. बटन, बटन. ये देखिए तीन अक्षर है ना, ब, ट, न. क्या है? तीन अक्षर केशव. बटन होते हैं ना कि शर्ट में, जीन्स में. ओके किड्स, नेक्स्ट हमें लिखेंगे कलश. कलश. स्पीक एंड राइट. क, ल, श. कलश, कलश. कलश, कलश. यस, राइट इट अगेन. स्पीक एंड राइट किड्स, बहुत ब्यूटीफुली लिखना है हमें. क, ल, श. कलश, कलश. ओके किड्स, कलश होता है ना, पूजा में भी रखते हैं, उसमें पानी भर के रखते हैं ना हम. वेरी गुड. लास्ट वर्ड लिखेंगे मार्जिन लाइन के जस्ट पास में, सुंदर सा लिखेंगे. स, र, क.
सड़क, सड़क सड़क. यस किड्स, स्पीक एंड राइट. स ड क, सड़क सड़क. सो किड्स, हमने क्या लिखे? तीन अक्षर के शब्द. ओके किड्स, चलिए मैम के साथ जल्दी से रीड करेंगे. कमल कमल, कमल कमल. मटर मटर, मटर मटर. बटन बटन, बटन बटन. कलश कलश, कलश कलश. सड़क सड़क, सड़क सड़क. ये सब क्या है? तीन अक्षर के शब्द. इनमें सब में तीन अक्षर आ रहे हैं ना, ऐसे ही हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की. ओके किड्स, नाउ टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक्स. Yes kids, close your Hindi notebooks and take out your maths notebooks quickly. Now what we are going to do in maths? What comes before? So read the heading. WHAT, what? COM ES comes, BEFORE before, what comes before. Okay kids, now what comes before ka matlab is number se pehle kaun sa number aata hai. For example, agar ma'am aapko bole what comes before 15, that means hame kaun se line ki counting bolni hai. Ones की will start from 11 till 15. 11, 12, 13, 14, 15. So what comes before 15? 14. Okay, now ma'am is going to ask you. Please be attentive. So first number हमें लिखना है 1717. अब ma'am ने पहले dash लगाया है. That means you have to say what comes before 17. Yes, raise your hands. Purnika Purohit, unmute yourself. Purnita, unmute yourself. Yes kids, anyone else wants to answer? Raise your hands. Yes, quick. Vivan Saini, unmute yourself. Yes, Vivan, what comes before 17? Vivan Singh, unmute yourself. So what comes before 1717? That means we will have to start the counting from 11 till 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So what comes before 17? 16. So please write down 16. Mita, please attentive. If ma'am is asking you question, अगर मैम आपसे question पूछ रही है तो जल्दी से आपको unmute करना है, okay? जिसका भी ma'am name ले रही है.
Next number you have to write 2525. Yes, yes, yes. Now raise your hands. What comes before 25? Rona Karoda, unmute yourself. Very good. What comes before 25? 2424. Okay, next number hame likhna hai. 3333. Okay, okay, okay. Now who is going to tell me what comes before 33? Poshita Sharma, unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Poshita. Yes, 30, what? 32. ओके सो 33 है ना, दैट मींस हमें थ्रीज की लाइन की काउंटिंग बोलनी है. 31 32 33. सो व्हाट कम्स बिफोर 33? 32. यस किड्स, बहुत ब्यूटीफुल आपको नंबर्स बनाने हैं, मैम के साथ लिखते जाना है. ओके ओके ओके. नेक्स्ट नंबर वी हैव टू राइट 4242. Yes, what comes before 4242? Yes, Devik, unmute yourself. Bolo, good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. 4141. Very good. So what comes before 42? Please write 4141. Very good. Okay, now kids, tell me, you have to write the number 5959. Yes, yes, yes. What comes before 5959? Yes, kids. Priyanshi Keswani. Priyanshi Keswani, unmute yourself. 58. 58. Very good. What comes before 59? 5858. Chali, jaldi se ma'am ko dikhayenge. Show me on the screen your notebooks. Yes, yes, yes. Jaldi dikhaiye, Viraj. Please switch on your video. Very good. Ma'am ke saath karte jana hai, okay? Yes, Divyan, Shitanshi, Piyush. Please switch on your videos. Okay, perfect. Next number hame likhna hai. 4141. Okay, now who is going to tell me what comes before 4141? Bhumika Joshi. Bhumika Joshi, unmute yourself. Bolo. Bolo, answer karo. 4040. Very good. 4040. What comes before 41? 4040. Okay, now next number we have to write is 2020. Okay, okay. Now kids, who is going to tell me what comes before 2020? Yes, raise your hands quickly. Abir. Abir, unmute yourself.
1990. Very good. 1919. So we have to write here 1919. Okay. Next number we have to write is 1010. Yes, what comes before 1010? Tarun Chaudhary. Tarun Chaudhary, unmute yourself. Yes, Tarun, unmute yourself. Yes, anyone else wants to answer? Raise your hands. 10 ke before kya hota hai? Kaun batayega ma'am ko? Mridul, unmute yourself. Mridul, unmute yourself, beta. Nine. Very good. What comes before 10? Nine. Okay. Next number hum likhenge 1. Okay, now who is going to tell me what comes before 1? Kaun batayega ma'am ko? Yes. Raise your hands. Please, beta, jo answers nahi dete, try to give answers. Raise your hands. Manish Sharma, unmute yourself. Yes, what comes before number 1? Batao ji. Zero. Wow, very good. So what comes before 1? Number 0. Very good. Perfect. So kids, ऐसे हमें बहुत सारी practice करनी है इसकी. Okay? Maths में हमने what comes before किए ना? इसकी हमें घर पे भी बहुत सारी practice करनी है. Right kids? So हमने English में आज क्या किए? Rhyming words. I sound word के rhyming words किए ना? Very good. And हिंदी में हमने तीन अक्षर के शब्द किए. So हमारी कौन सी क्लासेस चल रही है? Live classes. आप अपनी recorded classes अपने school के WhatsApp group पे जो link shared है या अपने YouTube channel पर भी जाके देख सकते हैं. उसे subscribe भी करना है for regular updates. Till then, bye bye kids. Take care.